फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारी दीदी सबसे पहले सुबह उठते से ही सबसे पहले उनका एक ही काम है चोटी करना बांधना। हाँ डिजाइनर वाली चोटी कर रही है दीदी। सिंपल चोटी करती हुए ना हमेशा। फिर चलते हैं देखते हैं सभी लोगों का क्या क्या काम चल रहा है। पापा तो मंडी चले गए हैं और यहाँ पे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी तुम्हारा ही काम चल रहा है। तो चाय ये बन रही है किसके लिए बन रही है? बन रही है हमारी दीदी की चाय। फ्रेंड्स वैसे भी देखिए क्या होता है ना कि हम लोगों को बुटीक जाने में देर हो जाती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करो फिर जब तक बुटीक जाएं। और वैसे भी दीदी आज से अपन को जल्दी चलना है ना। हाँ। क्योंकि हर आने वाले आज के जल्दी जाने वाले तो देखिए कल से तो कोई करता नहीं, क्योंकि कल तो कभी होता नहीं, इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि आज से ही करना है अपन को। तो आज से स्टार्टिंग करेंगे ना जल्दी, आज से स्टार्टिंग करेंगे जल्दी जाने की, जब तक अपन कल परसों तक पहुंच जाएंगे जल्दी। सही बात है। हाँ। इसलिए कोशिश तो यही करें कि आज से ही चालू करें। तो मैं जल्दी से एडिटिंग कर लेती हूँ दर्पण बुटीक की सिलाई कटिंग स्टिचिंग की वीडियो की, ताकि जल्दी जल्दी एडिटिंग करके वीडियो को अपलोड करके और जल्दी से हम लोग निकल जाएं बुटीक के लिए। चलो तो सबसे पहले ले लेते हैं हम चाबी और फिर चलते हैं हम ऊपर। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी लगा रही है झाड़ू। मम्मी गुड मॉर्निंग। और पीयूष बगल में पूजा घर में पूजा वाले रूम में पूजा कर रहा है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी अपना काम करने के लिए ऊपर चलूंगी फटाफट से। पहुंच गए हैं, सबसे पहले हम ताला खोल लेते हैं। ऊपर आने में ना थक जाते हैं बहुत तेज। खुल गया फ्रेंड्स, ये रहा मेरा कंप्यूटर रूम। सबसे पहले तो मैं सफाई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं एडिटिंग करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले सफाई करना चाहिए, क्योंकि घर बासा हो जाता है रात को। ये रही मेरी चाय, अब मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ फिर अपना काम करती हूँ। फ्रेंड्स मैं वीडियो एडिट करके आ चुकी हूँ और पूरे मतलब मुझे 4 घंटे लग गए हैं, 4 घंटे से भी ज़्यादा ही टाइम हुआ है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि सिलाई की जो वीडियो होती है ना कटिंग स्टिचिंग की वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और दिमाग तो पूरा ही खर्च हो जाता है समझ लीजिए आप। तो अब जल्दी से नहा लेते हैं, नहाने के बाद इस वीडियो को अपलोड करने लगा देते हैं। जब तक मैं नहा के जाऊंगी अपलोड होगी और जब तक इसके बाद मैं खाना वाना खा लूंगी। दीदी तो यहाँ पर नहा के रेडी हो चुकी है, अपलोड भी हो गई। ब्लॉग की बात अलग रही दीदी, ब्लॉग जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इजी काम लिया है और प्रीति को कठिन काम दिया है। वो क्योंकि सिलाई की वीडियो एडिट करने में तो पूरा मतलब ऐसा लगता है सर बचा ही नहीं, प्रीति खत्म हो गया। मैं बोल तो रही पूरा दिमाग खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं है। दीदी तो मैं तो नहा के भी आ गई हूँ और अब मैं दूसरा काम करती हूँ। जब तक प्रीत तुम नहा लो, इसमें कुछ रह गया हो तो हमें बताना, इसको अपलोड करने लगा देती हूँ। जब तक ये हो जाएगी। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ KYC करवाने के लिए, इसलिए मैं जल्दी रेडी हुई थी, तभी मैं चलती हूँ। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ और मेरा काम भी नहीं हो पाया, प्रीति पता है तुम्हें, मुझे आईडी नहीं चल रही। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से तो जाती हूँ टाइम निकाल के। ठीक है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, चलता है। ठीक है अब चलो, कभी और एक दो दिन बाद देख लूंगी, कभी चली जाऊंगी। अब हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, अब हम लोग चलते हैं बुटीक। प्रीति चलो सारा सामान रख लिया है मैंने, चलो ये देखो झोले वगैरह भी रख लिए हैं। और तुम क्या कर रही हो? सामान ही रख रही हूँ। हाँ चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स बुटीक आ गए हैं, अब ये सारा सामान उठा कर रख देते हैं। सब हमने यहाँ पर रख लिया है और प्रीति ने आते से झाड़ू लगाना चालू कर दिया है। फ्रेंड्स मैंने एक ही वाली फ्रॉक सिल दी है, एलाइन फ्रॉक है ये और इसकी स्लीव्स कुछ इस टाइप की है। ये स्लीव्स से ज्यादा है, तुमने हाथ में क्या लटका रखा है? ये बोई वाला पोनीटेल जो अपन ने उस दिन बनाया था ना दीदी। हाँ तो तुमने इसको हाथ में पहन लिया। सुनो दीदी मैं क्या सोच रही हूँ, हाँ। ऐसे कुछ कुछ एक्सेसरीज वगैरह अपन लोग बनाना बताते हैं अभी, जो मतलब ईद के लिए कुछ कुछ छोटे बच्चों के लिए बना दे। हाँ फिर छोटे बच्चों के लिए सही रहेगा। हाँ तो वो तो देखो दीदी वो अपन बनाने की ट्रिक बता देंगे कैसे कैसे बनेगी, बाकी किसी के लिए बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, मम्मी देखिए बच्चों के लिए भी और मम्मी के लिए भी। हाँ चल भी रहा है आजकल, मॉम एंड डॉटर साइड है ना, सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कुछ कुछ अगर ऐसे आपको एक्सेसरीज वगैरह कुछ कुछ सीखनी हो तो आप हम लोगों के इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हैं, या फिर हमें फिर या हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इस टाइप का कुछ बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे फिर बनाना। हाँ सिखा देंगे फिर हम आप लोगों को भी कि कैसे बनेगा।
एक फ्रॉक मेरी अस्तर वाली बन चुकी है, इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। वैसे भी देखिए लॉन्ग फ्रॉक है प्रीति, और अस्तर वाले को टाइम लगता है, कपड़ों में सिलने में टाइम लग जाता है, और उसमें लेस भी लगी, प्लेन भी नहीं है, नीचे पीको वाली होती है तो जल्दी बन जाती है। मेरे पास रखे हुए ये चार कपड़े, तो बस इनको और स्टिच करना है मुझे, तो अभी मैं कर लूंगी। वैसे तो अभी मेरे पास टाइम है। और अब दीदी तुम्हारे पास क्या काम है? मेरे पास तो बहुत सारा काम है प्रीति, बहुत सारा रहता है, क्योंकि दीदी ना जो बड़े लोग रहते हैं ना उनके पास बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो उनको बहुत सारा ही काम करना पड़ता है। तो तुम सुनो तो आप लोग जो जो बड़े लोग हैं ना उनके लिए नहीं है, जो छोटे लोग रहते हैं ना वो अच्छे रहते हैं, बढ़िया, उनको जिम्मेदारी भी नहीं रहती, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है, तुम्हें तो करना पड़ता है यार प्रीति। तो फ्रेंड्स मैंने तो थोड़ी बड़ी हूँ ना, क्योंकि मुझसे छोटी गुड़िया है, फिर उससे छोटा ध्रुव है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, पर दीदी से थोड़ा कम करना पड़ता है। मेरे पास काफी ज्यादा सूट रखे हुए हैं। वैसे भी देखो ईद के हिसाब से ना ऐसे हैवी टाइप के कपड़े ही दीदी को अभी कटिंग करना पड़ेंगे। हाँ। ये देखो इतने हैवी है अभी। हाँ। मतलब एक दो ही निकलेंगे प्रीति, इतने हैवी आजकल कोई नहीं पहनता। हाँ कम पहनते हैं आजकल। हाँ। मतलब इतना फैशन, एक साल तो फ्रेंड्स एक साल तो क्या हुआ था, ये जो ऐसे हैवी कपड़े है ना, एक साल तो ऐसा ट्रेंड चला था, यही हाँ। सिला रहे थे जब नए साल के, लोगों ने कितना काम किया था यार। अभी की बात नहीं है, वो कम से कम होगी 6-7 साल पहले की। हाँ और फ्रेंड्स उसी साल दीदी के पैर में लग गई थी, पैर टूट गया था दीदी का, फ्रैक्चर हो गया था, और हम लोगों ने इतना काम किया समझ लीजिए हम कम से कम एक महीने जो ईद का महीना चलता है ना उसमें से मुश्किल से ऐसे मतलब 5-1 दिन ही अच्छे से निकले होंगे, 25 दिन तक तो सो ही नहीं पाए थे अच्छे से। इतना काम किया था। और वैसे भी ईद पे हम हर साल बहुत सारा ही काम करते थे, कम नहीं करते थे, पर इसी साल हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं इसलिए ज्यादा काम नहीं लिया हमने, पर फिर भी नहीं तो पता है हमेशा तो यही होता है कि हम लोग कम से कम 10-12 दिन तक तो रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, थोड़ी सी देर सो जाते हैं फिर काम करते रहते हैं, फिर एक जना सो जाता है फिर एक जना उठ जाता है, ऐसा कभी काम करते थे। हाँ। और बहुत सारे हमारे कारीगर भी काम करते थे जब। हाँ तो अब तो इतने सारे लोग करते नहीं, इतने कस्टमर डील ही नहीं कर पाते इतने सारे कारीगर, और काम कैसे देंगे काट के। हाँ। और दूसरी बात बुटीक में भी हम लोग ज्यादा काम करने वाले नहीं रख पाते हैं, क्योंकि फिर वीडियो शूट नहीं हो पाती, क्योंकि मशीनें चलती हैं फिर आवाज आती है तो वीडियो नहीं बन पाती, इसलिए हम लोग ज्यादा किसी काम हमने कम कर दिया अब काम करना। तो ठीक है, पर देखिए फ्रेंड्स क्या हैप्पी रहना जरूरी है लाइफ में, काम तो लगा ही रहता है। चलो तो कर लेते हैं अभी, तो नहीं तो बातें करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने 3 गिराकों के कपड़े डाल लिए हैं अब, जो कि हम उठा कर रख रहे हैं प्रीति, और हमने ये देखिए तो प्रीति है। इस तार के बाद ही ज्यादातर कस्टमर आते हैं, क्योंकि सुबह से तो इतनी सारी धूप, इतनी ज्यादा धूप रहती है, और किसी की बस की नहीं रहती बाहर निकलने की। जैसे शाम होती है फिर इसके बाद आ जाते हैं कस्टमर, तो हम लोग कस्टमर डील करने लगते हैं, कस्टमर कपड़े मैं रख देती हूँ उठा के। प्रीति मैं रख लूँ? मैं भी जल्दी जल्दी रखवा देती हूँ। चलो ठीक है तब रख दो। मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कटिंग स्टिचिंग का वीडियो शूट कर ले, और हमें दीदी को आ रही है नींद, वो तो मतलब सो गई कपड़े पे रख के, उनको नींद इतनी तेज आ रही है, ज्यादा नींद आ रही है क्या? रात भर के पापड़ बेल रही थी आज, नींद नहीं आ रही मुझे, तो ऐसा लग रहा है जल्दी सो जाऊंगा मैं तो। फ्रेंड्स मैं थक गई, अब मेरी बस की नहीं बची। तुम जब आई नहीं थी हम बैठ गए थे आकर, तो देखिए फ्रेंड्स मैं कपड़ा भी लेकर बैठ गई थी, और मैंने अपना सारा सामान रख लिया, और ये खुद इतनी देर बाद आई, मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। इतनी भी देर बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये वाला कुर्ता स्टिच कर रही थी, तो फ्रेंड्स ये वाला जो कुर्ता है ना अस्तर वाला है, तो उसको सिलने में थोड़ी देर लग गई, अब पूरा कुर्ता जब तक नहीं बनता। वैसे भी होता है फ्रेंड्स हम लोगों की ऐसा आदत है कि जब तक कोई सा भी कपड़ा का ऐसा स्टिच कर रहा है पूरा फुल बन के तैयार नहीं हो जाता, जब तक हम लोग यही सोचते मशीन पे से ना उठे, क्योंकि दोबारा अगर उसको सिलने बैठते हैं ना तो वो काम 15 मिनट का होगा ना वो आधे घंटे में होता है। हाँ सही, इसीलिए मैं अब कोई सा भी कपड़ा हट जाती हूँ ना मतलब काटते काटते से, तो जो सूट मेरा 20-25 मिनट में कटने वाला होता है वो 1 घंटे तक भी नहीं कटता। हाँ 1 घंटे बाद में फिर 5 मिनट कुछ काम कर लिया, फिर कर लिया, फिर आ गए, फिर कर लिया, फिर करके फिर वो बहुत ही लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स पता है मैं यहाँ इसका वेट कर रही थी, वेट करते करते मुझे ऐसे थोड़ा नींद नींद सी आई, फिर मैं इनको क्या करूँ मैं यहीं कहीं लुढ़क जाती हूँ। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलिए ये इसका हम कुछ अच्छा सा प्लाजो पैंट टाइप से बना रहे हैं, तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग स्टिचिंग, और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं बनने के बाद। फ्रेंड्स तो ये है फैब्रिक आज जिसका कटिंग स्टिचिंग का वीडियो शूट होने वाला है, ये देखिए मस्त था हमारा। फ्रेंड्स हमारी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बन गई है, और ये रहा हमारा प्लाजो जो कि बनकर तैयार हो गया है, और अब हम चलते हैं घर, और हम सामान रख रहे हैं सारा। हाँ, और कल मतलब संडे है फ्रेंड्स, तो संडे के लिए दीदी ने बहुत सारे कपड़े रख लिए, कटिंग करने के लिए घर ले जाने के लिए रख लिए, निकाल लिए, चलो देखते हैं।
सामान रखा है या फैलाया है? हाँ, इसमें चार पांच कपड़ों के रख लो। अब हम इन सारे कपड़ों की गिट्टियाँ मिला लेते हैं। प्रीति मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल रही है। अब ऐसा मत बोलना तुमको गिट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब सब दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। बस एक अपन ही ऐसे हैं जो दुकान खोल कर बैठे हैं अभी, है ना? नहीं, अपन ने भी शटर बंद कर ली। चलो तो ठीक है, अपन लोग जल्दी से गिट्टियाँ मिट्टियाँ लेते हैं और फटाक से घर जल्दी से पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर पर आ गए और देखिए यहाँ पर गुड़िया कितने मूड ऑफ करके बैठी हुई है। गुड़ी, कैसे मुँह बनाई हो तुम? ऐसा पढ़ाई करने के घसाले तो आ रही है। हाँ, मैं भी। तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है? ऐसी ऐसी बस, किताबों को देखना नहीं है, पढ़ भी लेना। पढ़ नहीं रही हूँ, देख रही हूँ मैं तो, कि देख लूँ कम से कम कौन सा पेपर है कौन सा नहीं है। कम से कम ये तो याद रहे कि ये कॉपी में कम से कम सही पेपर का नाम तो डाला है। पता है क्या देख रही कॉपी में कि हाँ बताए इसमें बताए कौन से कलर की कॉपी है और लिखा कौन से कलर से, मुझे कौन से कलर से लिखना है। कुछ भी फालतू की इल्जाम लगा रही, पढ़ रही हूँ मैं सच में। अच्छा, मुझे तो आवाज भी नहीं आई कब चल रही। पता है, मैं तो वहाँ से आई, मैंने तो ये गुड़िया मुँह कैसे बना के बैठी है, मैं इससे पूछू तो ये कैसे मुँह बना के। देखो, पढ़ पढ़ के मेरी हालत 12 बज गए। देखो ना उसकी शकल, देखो कैसे उतर रही है। बेचारी लड़की बहुत पढ़ती है, सही में बहुत पढ़ाकू लड़की है। उसकी बेचारी की आंखें अंदर, उसमें ही पढ़ पढ़ के पीछे से निकलने वाली है। पीछे से निकलने वाली। तो चलो पढ़ने तो डिस्टर्ब मत करो उसको, चलो तुम अपना काम करो। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ जल्दी से मुँह हाथ धो। कहती हूँ प्रीति ने तो यहाँ पर देखी मुँह हाथ भी धो लिए। फ्रेश धो के हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी खा लीजिए जल्दी से, रात का डिनर कर लीजिए।